मोहतरम नासरीन हसरात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे फलस्तीन की और फलस्तीन में मस्जिद अल अक्सा की और उसके अंदर दिखाई पड़ रहे हुजूम की। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल अक्सा में इत्तिकाफ में बैठे हुए हैं। एक तरफ जहां इसराइल रमजान में फलस्तीनियों पर हमला करता है और सोचता है कि इनके हौसले पस्त हो जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ फलस्तीनी ऐसा कर गुजरते हैं जिसे देखकर मुसलमानों का तो दिल खुश हो ही जाता है, साथ ही जालिमों के चेहरे भी उतर जाते हैं। अब ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये मस्जिद अल अक्सा में इत्तिकाफ में बैठे लोगों का है। जहाँ हमारे यहाँ कोई एक शख्स ऐसा मिलना मुश्किल होता है जो इत्तिकाफ में बैठ जाए और सुन्नत अदा हो जाए, तो लोगों से गुजारिश करनी पड़ती है। हालांकि सब जगह ऐसा नहीं होता, मगर बहुत जगह ऐसा ही होता है कि इत्तिकाफ में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं होते। और एक तरफ ये फलस्तीनियों का ईमान और जज्बा देखो कि इत्तिकाफ में बैठे लोगों की इस कदर तादाद है कि जैसे जुमा का दिन हो और ये लोग जुमा अदा करने आए हो। वाकई में किसी ने खूब ही कहा है कि शेरों की जमी है जिसे फलस्तीन कहते हैं, शेरों की जमी है जिसे फलस्तीन कहते हैं, ये बंजर होकर भी मुसलिल कभी पैदा नहीं करती। फलस्तीन के मुसलमानों का जज्बे ईमान आपको कैसा लगा और ये नजारा आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हज़रात, आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।